So today I'm going to revise chapter electoral politics. In this, you have read about what are elections. First of all, I'm going to repeat topics. What are elections? How are they held? Types of elections. General elections, which are held in our country after every 5 years. And in different countries, depend upon their tenure. For example, in USA, 4 years. Mexico, you have done 6 years. So in India, they are held after every 5 years. Okay. Through elections, people elect their representatives. So next, country ke elections throughout country mein hote hain and depend upon the state ke kab kis state mein elections hote hain. Tenure ke according. Jaise Punjab ka 5 year ka tenure Feb mein complete ho raha hai, to tab depend. Fir hote hain mid-term elections. Agar whole house got dissolved, पूरा हाउस ही डिसॉल्व हो जाए तो फिर उस कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं. इफ होल हाउस गेट डिसॉल्व देन मिड टर्म इलेक्शंस आर हेल्ड एंड कैंडिडेट्स हु आर इलेक्टेड दे आर फॉर फुल टेन्योर. जो भी कैंडिडेट्स पावर में आते हैं वो फुल टेन्योर के लिए मींस 4-5 ईयर वो पावर में आएंगे. ठीक है, मिड टर्म इलेक्शंस में. फिर होते हैं बाई इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस. बाई इलेक्शंस तब होते हैं, बाई इलेक्शंस आर हेल्ड इफ देयर इज वेकेंट सीट. जैसे क्लास में मैं कहती होती हूँ फिल द वेकेंट सीट, याद रखना. इफ देयर इज वेकेंट सीट इन द पार्लियामेंट, अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन कर जाए, है ना, या वैसे ही पॉलिटिक्स छोड़ जाए. रिजाइन मीन्स वही, तो अगर कोई दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाए या कई बार किसी की डेथ भी हो जाए, तो इस कंडीशन में वो सीट वेकेंट रहती है. एंड दिस वो सीट वेकेंट जो सीट होती है दैट हैज टू बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन द 6 मंथ्स. 6 मंथ्स की एक्सपायरी से पहले पहले वो सीट फिल करनी होती है. ठीक है, 6 मंथ्स का टाइम होता है वो सीट वेकेंट सीट को फिल करना होता है. और जो भी कैंडिडेट आता है वो ओनली फॉर रिमेनिंग पीरियड के लिए आता है, बस ये बात याद रखना. फॉर एग्जाम्पल, ये रूलिंग पार्टी है और यहाँ पे ये सीट वेकेंट है. ठीक, इस सीट को फिल किया, ये आ गई. ठीक, अब आपकी पार्टी के पास टाइम बचा सिर्फ 1.5 ईयर. तो ये कितनी देर के लिए पावर में आई? 1.5. तो ये सिर्फ 1.5 आपके साथ आई है. ठीक है, जब आपने जाना इसने साथ जाना है. और ये है हाउस डिसॉल्व हुआ है, यहाँ पे आप आए हो पावर में, नई गवर्नमेंट बनी है, ये नई गवर्नमेंट है. आपके पास कितना टेन्योर होएगा? 5 ईयर्स. क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में जो नई गवर्नमेंट आती है वो फुल टेन्योर के लिए आती है. बाई में पर्सन जो पावर में आता है वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड ऑफ द पार्टी, जितना उसके पास रिमेनिंग पीरियड है उतनी देर के लिए. अगर इनके पास 6 मंथ्स बचे हैं तो आप 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे रहोगे. ठीक है, तो दिस इज अबाउट बाई इलेक्शंस, मिड टर्म, बाई एंड जनरल इलेक्शंस. ठीक है, 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं. अब इलेक्शंस इंडिया में होते कैसे हैं, यू नो इट वेरी वेल, यू नो द होल प्रोसेस के इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट, हाउ आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया. सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट लाएंगी, है ना, कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. अब सिंपल लाइंस में इसको कन्वर्ट कर दो, कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद और क्या होएगा? डेट ऑफ इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन. पहले डेट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट द कैंडिडेट्स, फिर वो पार्टीज क्या इशू करेंगी? मैनिफेस्टो इशू करेंगी. और सारी पार्टीज के पास राइट होता है टू इशू द मैनिफेस्टो. तो उसके बाद फिर कैंपेनिंग होगी ना, पार्टीज ने अपने कैंडिडेट सिलेक्ट किए, देन कैंपेनिंग करने का सबके पास राइट है. आपने सिर्फ इसको कैंपेनिंग को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने सिर्फ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बताना है. देन कैंपेनिंग इज डन. व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन. कैंपेनिंग के बाद क्या होगा? डे ऑफ इलेक्शन आएगा. वोटर्स किधर जाएंगे? पोलिंग बूथ. वोटर्स गो टू द एंड टू कास्ट योर वोट. अब वहां पे क्या होगा? वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. उसके बाद आफ्टर द वोटिंग ईवीएम कहाँ ले जाते हैं? वो काउंटिंग सेंटर्स. तो वहां पे क्या होती है? काउंटिंग. किसकी प्रेजेंस में? एजेंट्स ऑफ द पार्टीज और द कैंडिडेट्स. कैंडिडेट अब हर जगह तो जाएगा नहीं, तो एजेंट्स होंगे, तो उनके सामने वोटिंग इज काउंटिंग इज डन. कैंडिडेट दैट गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर. तो इस वे से, इन दिस वे कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड. बट इफ
ड्यूरिंग इलेक्शन अगर कहीं पे रिगिंग हो जाए, अभी भी बच्चे इसे रैगिंग लिखते हैं गलत, रिगिंग RIGGING, इफ रिगिंग इज डन इन एनी एरिया देन उस एरिए का इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते एंड इन दैट एरिया इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन दैट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है कि इस एरिया में इलेक्शन दोबारा आएंगे, ठीक है। इन दिस वे इलेक्शन आर हेल्ड इन अवर कंट्री। अब इसके बाद आपका आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारे, व्हाट इज मैनिफेस्टो, व्हाट डू मीन बाय मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये मैं कल रिवाइज कराऊंगी, अभी आप बड़े बड़े वाले टॉपिक कर लो। इसके बाद हाउ आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया के बाद आप बताओ फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप बताओगे पीपल हु आर एट द एज ऑफ 18 वो तो हो गए वोटर, एंड पीपल हु आर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शंस, वैसे तो वो लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और 30 से अबव वाले राज्यसभा, प्रेजेंट 35 होता है, ऐसे होता है। तो आप कहोगे आप सिर्फ 25 वाला मेंशन करो कि 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शंस। तो इसके बाद आप बताओगे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकंड सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट भी तो बता सकते हो आप फीचर्स में कि वोटिंग इन इंडिया इज डन बाय नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हुज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट। थर्ड फीचर में आप क्या बताओगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इसमें आप सारा इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओगे कि इन इंडिया देयर इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल ऑफ द 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, देयर आर 3 मेंबर्स, वन इज कमिश्नर, अदर आर हिज हेल्पर्स, तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो देयर टेन्योर इज 6 ईयर, दे वर्क, दे डू देयर ड्यूटीज, आप बताओ पार्शली के इम्पार्शली, पार्शली करते हैं इम्पार्शली, दे डू देयर ड्यूटीज मीन्स उनके ऊपर किसी का कोई आउटर प्रेशर नहीं होता, दे डू देयर वर्क इन द इन एन इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी आउटर प्रेशर। तो इस वजह से आप बता, क्योंकि रूलिंग पार्टी ना कहीं उनको अपने अंडर कर ले, तो इस वजह से आप बता सकते हो तो इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। और बताओ फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहले तो बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, देन पॉलिटिकल पार्टीज उसमें से कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं, और वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन दिस वे इन इंडिया वी आर हैविंग सिंगल मेंबर और ज्वाइंट, पहले क्या था ब्रिटिश ने कौन सा इलेक्टोरेट इशू किया, इंट्रोड्यूस किया सेपरेट कम्यूनल, सेपरेट कम्यूनल का मतलब पता है रिलीजन बेसिस पे, कि वो रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते थे ब्रिटिश। बट फिर बताओ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट, देयर इज नो हिंदू सिख मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ऑल द पीपल हैव टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट, सबको जनरल इलेक्टोरेट में वोटिंग करनी होती है, दो देयर आर सीट्स आर फिक्स्ड बट पीपल हैव टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट। तो एक तो ये फीचर हो गया, और बोलो रिजर्व सीट्स, सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड, आप बता सकते हो कितनी सीट्स रिजर्व है, 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर, गवर्नमेंट हैज डन सो बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस सो दैट दीस पीपल आल्सो हैव से इन पॉलिटिक्स, ताकि इन लोगों की भी पॉलिटिक्स में सुनवाई हो सके, दीस पीपल आल्सो हैव से, ये क्लाइम लर्न रखो, दीस पीपल आल्सो हैव से SAY से इन पॉलिटिक्स, इज इट क्लियर, एससी एंड एसटी also have say in politics so that their condition can be improved, that's why government has introduced reserved constituencies, now is it clear? Next, agar ye bhi question kai bar paper mein 5 number ka de dete hain, what do you mean by reserved constituencies, to pehle aapko puri pata honi chahiye how many total constituencies are there in India, 543, and for general category there are 412, एंड देन फिर एस सी एंड एस टी, फिर आप काउंट करके देखना 543 जब बन जाए तो इट मीन्स यू हैव रिटन करेक्ट, फिर आप बताओ कि व्हाई गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट इतना बता देना कि द ऑल द पीपल हैव टू बी वोटेड इन जनरल इलेक्टोरेट, देयर इज नो सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया, पता ना हु डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, बी आर अम्बेडकर, बट गांधी जी डिक्लेयर्ड फास्ट एंड टू डेथ, इसमें चाहे मेंशन ना करो वैसे अगर 5 नंबर का आ जाए देन यू हैव टू राइट, अपने आप वे से जैसे मर्जी इसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर
अगर किसी एरिया में रिगिंग हो जाए, मैंने अभी बोला पिटीशन वाला, अगर रिगिंग होए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, तो पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन फाइल अप अ पिटीशन इन द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि सारी जो ऑब्जेक्शंस लगी हैं ऑल आर करेक्ट, देन इलेक्शन कमीशन या तो उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते, एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन विल बी हेल्ड, अगेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। और फीचर्स बताओ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन इश्यूड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच ऑल द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फॉलो। एंड फिर इसमें बताओ कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज कांट डू द फॉलोइंग थिंग्स, फिर आप वो बता दो कि क्या क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि ब्राइब, कांट गिव ब्राइब टू द वोटर्स, गवर्नमेंट मशीनरी मिस यूज नहीं कर सकते, नो मनी एंड मसल पावर इज यूज, रिलीजियस प्लेस इज यूज नहीं कर सकते, एंड वाइल कैंपेनिंग नो सेक्रेट सिंबल्स आर यूज बाय कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल, कांट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। नो इज इट क्लियर, इस वे से आप लिख सकते हो इसे। नेक्स्ट, और फीचर्स बताओ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो आप नंबर वन पे ही बता दोगे। नो इज इट क्लियर, कैन यू राइट? अगर आपको पैराग्राफ नहीं लिखने आते ना, नो प्रॉब्लम, लर्निंग पावर ऑल द स्टूडेंट्स इज नॉट सेम, क्रैमिंग के पीछे तो जाना ही नहीं है, नहीं लर्न होता, नहीं पैराग्राफ नहीं लर्न होते, लीव इट, भूल जाओ कि आपने पैराग्राफ किया, आप सिंपल पॉइंट्स ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो कि इन इंडिया वी आर फॉलोइंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीपल इतनी तो लिखना आएगा, पीपल हुआ एट द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, फिर आप बताओ, इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, इतना ही लिख दो। फिर बताओ कि नो रिगिंग इज डन ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है, इन इंडिया वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, देयर इज जॉइंट इलेक्टोरेट, और बताओ, और देयर इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन कमीशन इशूड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच ऑल द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो। इतने पॉइंट्स जो बच्चा 7-8 पॉइंट्स लिखाएगा उसको अपने आप 5 में से 5 मिलेंगे। अगर आपकी लर्निंग पावर वैसे तो बेस्ट है, जो जैसे मैं करवाती हूँ पैराग्राफ वाला, कल को आप 10th के बोर्ड के पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन करते हो, है ना, तो आपका इमेज अच्छा पड़ता है। अगर आप सिंपल भी पॉइंट्स लिखते हो तो वो इतने रूड नहीं होते एग्जामिनर, वो नंबर कम काटते हैं, नंबर तो वो दे ही देंगे बट पता नहीं होता कई बार मूड का, ठीक है। तो आप चाहे नहीं लर्न होते, सारे एक जैसे नहीं है, तो बेस्ट मेथड है, क्रैम करने से बेटर है सिंपल पॉइंट्स में कन्वर्ट करो, अपने वे से आंसर लिखो। बोर्ड कभी नहीं कहता कि बच्चा बैठा रहे, क्रैम करे, वो नहीं कहते आप क्रैम करके लिखो, वो कहते अंडरस्टैंडिंग से लिखो। तो राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जो इजी लगता है आप उस वे से कन्वर्ट करो। तभी मैंने कहा अपने वे से अपने आंसर्स करो, आपको करने की जरूरत किसी के, जैसे ये बच्चे लिखते हैं, हर एक का अलग अलग स्टाइल है, आप अपना लिखो। तो अब बताओ आपको फीचर्स ऑफ, आपको हेडिंग आनी चाहिए बस, मेन फीचर्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्या हमारे इलेक्शन सिस्टम को कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? यस, बहुत से चैलेंजेस, नो डाउट इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, होते हैं फ्री एंड फेयर मैनर से ही होते हैं, इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड, हम खुद कहते हैं इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर इन डेमोक्रेटिक वे, डेमोक्रेटिक वे से होते हैं, फ्री एंड फेयर मैनर से होते हैं, बट स्टिल इट हैज टू फेस सो मैनी चैलेंजेस। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड, इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, एंड आप बताओ ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन दो दे आर नॉट केपेबल। फिर आप बताओ, पॉलिटिकल पार्टीज वाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स गिव चांस टू देयर फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स एंड, तो कॉमन पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट डिजर्विंग हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। वेरी गुड, मनी एंड मसल पावर इज यूज ड्यूरिंग इलेक्शन, मेन एम ऑफ पोलिटिकल पार्टी इज टू विन द इलेक्शन, दैट्स व्हाई व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स गिव चांस टू क्रिमिनल्स एंड रिच बिकॉज दे आर ऑन द व्यू दैट बाई यूजिंग देयर मनी एंड मसल पावर दे वुड विन द इलेक्शन। और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, व्हाइल सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स पोलिटिकल पार्टीज नेवर कंडक्ट इलेक्शन, टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट द candidates according to their choice without consulting members while taking major decision for the party, political parties never consult with, top party leaders never consult with ordinary members,
सो देयर इज नो रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी फॉर देयर मेंबर्स. रजिस्टर तक मेंटेन नहीं होता इनका. सो इन दिस वे वी कैन से देयर इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. और बूथ कैप्चरिंग भी हो जाती है कई बार. यस, मसल पावर, लो पोलिंग परसेंटेज होती है. वोटर्स वोट ही नहीं डालने जाते बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है. वोटर्स डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ देयर वोट. उनको वैल्यू ही नहीं पता. इन इंडिया वोटिंग जो है दैट इज 75-80%. इट मींस फिर हम कहेंगे कि कैंडिडेट्स हु आर रूलिंग दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स है नहीं बिकॉज 25% पीपल हैव नॉट कास्टेड देयर वोट. तो नो मीनिंगफुल चॉइस बिकॉज दीज डेज आप बताओ कि मैनिफेस्टोज ऑफ ऑल द पार्टीज आर सेम. तो फिर इस वे से वोटर्स गेट कंफ्यूज एंड दे डू नॉट नो इन हूज फेवर दे हैव टू कास्ट देयर. ये जो अभी आप कह रहे हो ना नो मीनिंगफुल चॉइस, इस बात को टेंथ तक मत भूलना क्योंकि टेंथ में क्वेश्चन है राइट द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज सारी. आपको उन्होंने जैसे सेवन अभी एक उन्होंने छह बुक में ऐड है. सिक्स सेवन्थ वाली अभी ऐड नहीं हुई. आपके जब न्यू एडिशन आएगी तो उसमें ऐड हो जाएगी तृणमूल कांग्रेस. तो उनकी आइडियोलॉजी पेपर में 5 नंबर की आती होती है. ठीक है, तो अभी आप कह रहे हो कि आइडियो मैनिफेस्टो ऑफ ऑल द पार्टीज आर. तो यहाँ पे एक पार्टी जैसे आपको सेवन पार्टीज, तो आप सेवन की आइडियोलॉजी लर्न करने से बेटर है हर एक का मेन एम उठाओ. हर पार्टी का मेन एम कुछ है. जैसे बहुजन समाज पार्टी है वो दलित के लिए वर्क करती है. ठीक है, सीपीआई, सीपीआईएम. आप कार्ल मार्क्स पढ़ा है ना आपने नाइन्थ में? कार्ल मार्क्स रशिया में नहीं पढ़ा, लेनिन नहीं पढ़ा? लेनिन पढ़ा है ना. लेनिन किसके लिए वर्क करता था? वेरी गुड, वर्कर्स, फार्मर्स. तो आप अपने आप बताओ कि ये जो सीपीआई है, सीपीआईएम है, कार्ल मार्क्स के व्यूज लेके चलती है, लेनिन के व्यू लेके चलती है, ये किसके लिए वर्क करती होगी? वर्कर्स एंड पीजेंट्स के लिए. तो हर एक के ना मेन मेन पॉइंट्स उठाओ. जैसे वहां हमारी इंडिया में है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ठीक है, वो पता है क्या चाहती है? वो चाहती है कि जितने ये कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था उस पार्टी का मेन जो आइडियोलॉजी है ना वो ये है कि जितने भी इंडिया में हायर पोजीशंस है ना, जितनी भी हायर पोजीशंस इन इंडिया इन गवर्नमेंट बॉडीज शुड बी गिवन टू नेचुरल बोर्न इंडियन सिटीजन्स. वो कहते हैं फॉरनर्स को नहीं देनी चाहिए, इंडियन सिटीजन्स को दो, नेचुरल बोर्न इंडियन सिटीजन्स को दो, नॉट टू फॉरनर्स. मीन्स ये वाली पार्टी फॉरनर्स की फेवर में. तब भी आप देखो ना, क्योंकि ये कांग्रेस में स्प्लिट हुआ सोनिया गांधी, सोनिया गांधी इटली की है, तो उन्होंने इसको नहीं पावर में लाना चाहे ना. उन्होंने कहा कि इसको पावर में नहीं आने का राइट क्योंकि ये तो इटालियन बॉर्न है. तो इंडियन बॉर्न सिटीजन्स को लाओ ना पावर में, इसको क्यों लाना. तभी वो पावर में नहीं आई. तो ये पार्टी में स्प्लिट हुआ था तो नेशनलिस्ट. हर एक की एक एक पॉइंट लर्न कर लो तो बाकी सबकी आइडियोलॉजी सेम है. कौन सी आइडियोलॉजी, जैसे इनके क्या फॉलो करती होंगी, वर्क फॉर वीकर सेक्शंस, प्रमोट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म. इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री ना. डू यू मीन बाय सेकुलर? ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली. तो प्रमोट सेकुलरिज्म, प्रमोट सोशलिज्म, अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. क्या कोई चाहेगी पार्टी दोबारा ब्रिटिश आए, दोबारा कोई फॉरेन पावर आए इंडिया में रूल करे? अगेंस्ट इंपीरियलिज्म. हर कोई इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है. इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सबकी आइडियोलॉजी है, सारी पार्टीज की आइडियोलॉजी यही होती है. हमेशा नोट करना साथ में उनका मेन. जैसे आप बीएसपी लिख रहे हो तो लिखो वर्क फॉर दलित, फर्स्ट पॉइंट यही लिखो, हाईलाइट करो इस पॉइंट को. बाकी आइडियोलॉजी सेम चलाओ. किसी को क्या पता आपने कौन सी पार्टी, आपको तो पेपर में वन आनी है ना. तो अभी आप यहाँ पे ये बात बोल रहे हो नाइन्थ स्टैंडर्ड, यू आर सेइंग के मैनिफेस्टो नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स बिकॉज आइडियोलॉजी ऑफ ऑल द पार्टीज इज सेम. तो वोटर्स हैव नो चॉइस, दे गेट कंफ्यूज एंड दे डू नॉट नो इन हूज फेवर दे हैव टू कास्ट देयर. तो यही चीज टेंथ तक याद रखना. इज इट क्लियर? अब आप बताओ रेमेडीज, चैलेंजेस तो आपको आ गए, अब रेमेडीज बताओ. वेरी गुड, कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर. मनी एंड मसल पावर शुड नॉट बी यूज. इलेक्शन कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट. वेरी गुड, डिफेक्शन को एक डिफेक्शन भी तो हम कह सकते हैं कि पार्टी जो कैंडिडेट्स होते हैं अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स एंड कैश रिवॉर्ड्स. समटाइम्स दे चेंज देयर पार्टी. तो इट शुड बी टोटली बैंड. डिफेक्शन केम डाउन, डिफेक्शन डाउन गई है इंडिया में बट अभी भी खत्म नहीं हुई. तो इलेक्शन कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट, उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए. और
डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए. वोटर शुड बी, दे शुड नो द वैल्यू ऑफ देयर वोटिंग शुड बी 100%. और नो मनी एंड मसल पावर शुड बी यूज. रूलिंग पार्टी शुड नॉट मिसयूज मास मीडिया. रूलिंग पार्टी हमेशा मास मीडिया को मिसयूज करती है. तो रूलिंग पार्टी शुड नॉट मिसयूज एंड गवर्नमेंट मशीनरी. रूलिंग पार्टी को ही मतलब ये सब. रूलिंग पार्टी हमेशा जो पार्टी रूल कर रही होती है ना हमेशा मिसयूज भी वही करती है. ओपोजिशन को तो चांस दिया ही नहीं जाता. तो रूलिंग पार्टी शुड नॉट गिवन चांस टू मिसयूज मास मीडिया एंड गवर्नमेंट मशीनरी. तो दीज आर द रेमेडीज. ठीक है. वेरी गुड. पार्टीज को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ही चांस नहीं देने चाहिए. देखो सबको आते हैं आंसर सबको. एंड नॉन सीरियस कैंडिडेट शुड नॉट कम इन. नॉन सीरियस तो जहां जाएंगे डुबो देंगे. मुगलों में नॉन सीरियस आए कितनी बड़ी एम्पायर का डाउनफॉल हुआ. मौर्यंस में आए डाउनफॉल हुआ. जहां जहां नलायक जनता आई डाउनफॉल हुआ. मुगलों ने कितने साल रूल किया बाद में नहीं कमांड कर पाए क्योंकि कमांड गई नॉन सीरियस के हाथ में. जब जाती है पूरी हिस्ट्री इस चीज की आपके सामने गवाए कि जब जब कमांड रॉन्ग हैंड में गई है डाउनफॉल हुआ ही हुआ है. ठीक है ना. तो तभी ब्रिटिश इतने साल रूल कर गए इंडिया में क्योंकि रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय सम मुगल रूलर्स. ना देते उनको ट्रेड करने का राइट, ना देते फोर्टिफिकेशन के राइट, ना देते उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड. कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई है ना. तभी ब्रिटिश इतना रूल करके गए ना. फिर आगे इंडिया में दिस यूनिटी आपस में ही लड़ते रहते थे. छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया बटा हुआ था. तो यही चीजें हमें कहां से कहां ले गई हमारी कंट्री को. एक डेवलप नेशन से कहां कहां पहुंच गए. कहां गया इंडिया का सारा वेल्थ जो कि गोल्डन स्पैरो था. ड्रेन टू ब्रिटेन किधर चला गया. और वो है डेवलप नेशन इंडिया. स्टिल वी आर डेवलप.